नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PM के न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि संकट के समय में लोकल ने ही हमें बचाया है, यानी कि हमारी सारी की सारी जरूरतें लोकल ने ही पूरी की है। संकट ने हमें सिखाया कि लोकल को बढ़ाना है, और PM मोदी ने कहा कि न सिर्फ लोकल का सामान खरीदे बल्कि लोकल का प्रचार भी करे, लोकल के लिए वोकल बने, ऐसा PM मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस बड़े ब्रांड को आप आज जानते हैं, पहचानते हैं, कभी ना कभी वो भी एक लोकल ही था, लेकिन जब वहाँ लोगों ने उस पर गर्व करना शुरू किया तो वो लोकल से ग्लोबल बन गया। और इसीलिए आज हम हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना चाहिए, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया। PM मोदी ने कहा है कि ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अहम कड़ी के तौर पर कार्य करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। PM मोदी ने कहा है कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। ये भारत की GDP का लगभग 10% है और इसके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को मजबूती मिलेगी। PM मोदी ने यह भी कहा है कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लो सभी पर बल दिया गया है। ये पैकेज लघु, कुटीर, MSME के लिए है और जो करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का साधन है। ये पैकेज उस श्रमिक के लिए भी है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए परिश्रम करता है। ये पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है। ये पैकेज देश के उद्योग जगत के लिए भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल से इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देगी और हम बोल्ड रिफॉर्म करेंगे। पहले हुए रिफॉर्म की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था संकट के समय से भी अधिक सक्षम है। और PM मोदी ने कहा है कि मित्रों, कौन सोच सकता था कि समय के इस संकट में हमें पैसा मजदूरों के खाते में पहुंचेगा। अब रिफॉर्म्स को व्यापक करना है और ये खेती के क्षेत्र में होगा ताकि किसान मजबूत हो, कोरोना संकट के समय भी उनको कम से कम असर पड़े। दोस्तों, इस पैकेज से हमारे सभी सेक्टर की क्षमता बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्था हिल गई, लेकिन इसी संकट के समय हमारे एक देश के गरीबों की सहनशीलता का दर्शन किया। रेडी थैला लगाने वाले हमारे सभी भाइयों ने बहुत कष्ट झेला है। आर्थिक कौन है जिसने उनकी कमी महसूस नहीं की होगी। अब उन्हें मजबूत करने का वक्त है। आर्थिक पैकेज में इनके लिए महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया। और दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, PM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।